सो हे गाइस, तो आज हम लोग बताएंगे जो KTM Duke 490, तो फाइनली फाइनली इंडिया मार्केट के अंदर गाइस KTM Duke 490 आने वाला है। तो गाइस कब तक आएगा सब कुछ बताएंगे गाइस। बहुत सारे बंदा मेरे को इस कमेंट करके बोल रहे थे, असल भाई प्लीज यार एक वीडियो बना दो, KTM Duke 490 कब तक इंडिया के अंदर आएगा, कब लॉन्च होगा, वो प्लीज यार एक वीडियो बना के बोल दो। सो गाइस आज के वीडियो के अंदर बताएंगे जो KTM Duke 490 कब तक इंडिया के अंदर आएगा, तो आएगा तो भाई कौन सा डेट पे आएगा, साथ में प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड सब कुछ बताएंगे। सो गाइस अभी तक वीडियो के अंदर लाइक नहीं किया तो वीडियो के अंदर लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बस ये वीडियो को जरूर से गाइस शेयर करो। सबसे पहले गाइस बताएंगे बेस्ट पावरफुल नेकेड स्पोर्ट बाइक हो रहा है, क्योंकि ड्यूक 200 के अंदर भाई कितना तक खतरनाक वाला पावर है, ड्यूक 390 का कितना तक पावर है वो तो गाइस आप लोग जानते ही है। साथ में बताएंगे जो KTM ड्यूक 490 ये बाइक के अंदर तुम लोगों को देखने को मिलेगा 2 सिलेंडर का इंजन, तो कौन सा 2 सिलेंडर, V2 इंजन क्या, इनलाइन 2 सिलेंडर इंजन, वो भी आज आप लोग बताएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस इंजन कैपेसिटी को लेकर बात करेंगे तो यहां पे 490cc लिक्विड कूल का आप लोगों को यहां पे इंजन देख सकते हो, साथ में यहाँ पे V2 इंजन यूज करेगा कंपाइंडर, V2 इंजन का कितना था पावरफुल बाइक है वो तो आप लोग जानते ही है, और बाइक का प्राइस कितना होगा वीडियो को एंड तक देखो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। साथ में बताएंगे जी गाइस V2 होने के बाद इसके इनिशियल पिकअप एंड टॉप स्पीड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, आप लोग जानते हो जो ट्रैक के अंदर जो ड्रैग रेस जहाँ गाइस करा जाता है, जो मोटर जीबी के अंदर भाई V2 इंजन हर जगह भाई यूज होता है, इसलिए गाइस V2 इंजन का पावर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से देख सकते हो। साथ में यहाँ पे गाइस 6 स्पीड गियर बॉक्स और स्लीपर क्लच तो ऑब्वियसली देख सकते हो, और यह शिफ्टिंग यहाँ पे गाइस बहुत स्मूथली होगा क्योंकि इसके अंदर तुमको देखने को मिलेगा क्विक शिफ्टर एंड ट्रैक्शन कंट्रोल देख सकते हो। तो ये जो बात है ना मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप लोगों को ऐसा लगा ऑब्वियसली एक बार भाई कमेंट करके बता देना। BHP को लेकर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे BHP देख सकते हो 55.6 BHP, साथ में 10,000 RPM, मतलब गाइस यहाँ पे BHP आप लोग ठीक ठाक ही देख सकते हो, मेरे को तो ऐसा ही लगा, आप लोगों को ऐसा लगा ऑब्वियसली एक बार बता दो। साथ में और गाइस जो मेन जो बात है, अगर इतना ज्यादा पावरफुल इंजन होगा तो ब्रेकिंग कंट्रोल भी अच्छा होना चाहिए, ब्रेकिंग कंट्रोल को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे सामने ड्यूएल डिस्क का सेटअप देख सकते हो, और यहाँ पे गाइस ड्यूएल चैनल ABS मतलब एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, तो यहाँ पे और यहाँ पे कंपनी ने गाइस सुपर मोटो ABS का सिस्टम यूज किया। सुपर मोटो क्या होता है, नॉर्मल बाइक के अंदर नॉर्मल डिस्क आता पहले, अभी उसके बाद यार ABS आ गया, ठीक है, उसके बाद यार सुपर मोटो ABS जो भाई सुपर बाइक के अंदर यूज करा जाता है, जैसे भाई ड्यूक 390 के अंदर भाई सुपर मोटो ABS यूज है, तो आजकल भाई हर बाइक के अंदर भाई सुपर मोटो ABS आने वाला है। साथ में जो ब्रेकिंग सिस्टम का डिस्क का जो साइज के लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे सामने 320mm और रियर यहाँ पे 230mm डिस्क का साइज देख सकते हो, मतलब ब्रेकिंग कर ले यार पहले से यार बहुत ज्यादा अच्छा है भाई, सही है। और यहाँ पे गाइस फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे 13.4 लीटर आप लोगों को यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी देख सकते हो, तो मेरे को तो यार बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि माइलेज भी आप लोगों को बहुत अच्छा खासा देख सकते हो, 490cc होने के बाद भी माइलेज इसके अंदर देखने को मिलेगा 20 से 25 तक माइलेज, तो मेरे को तो यार सही लगा क्योंकि उसके ऊपर माइलेज दे नहीं सकता है कंपनी ने। और बाइक का वेट कैपेसिटी को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे नेकेड बाइक होने के बाद भी इसका बाइक का वेट गाइस कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, गाइस मीडियम वेट है, 170 kg यहाँ पे वेट देख सकते हो, वेट तो मेरे को यार बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप लोग कैसा लगा ऑब्वियसली एक बार बता देना। और जो ये बाइक के अंदर तुम लोग दोनों चीज एक्स्ट्रा फंक्शन देख सकते हो, राइडिंग मोड भी आप लोगों को 3 से 4 राइडिंग मोड देख सकते हो, जैसे भाई रेड मोड, स्पोर्ट मोड, ट्रैक मोड, तो आप लोगों को 3 राइडिंग मोड, और साथ में यहाँ पे तुम लोग क्विक शिफ्टर एंड ट्रैक्शन कंट्रोल भी देख सकते हो, मतलब फंक्शन यहाँ पे गाइस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो फीचर है ना बहुत ज्यादा कंपनी ने दे दिया। सस्पेंशन को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे सामने USD फॉक मतलब ऑफसाइड डाउन फॉक्स और रियर यहाँ पे मोनोशॉक देख सकते हो, मतलब सस्पेंशन यार सही कर दिया क्योंकि KTM के अंदर हर बाइक के अंदर यहाँ पे USD फॉक्स यूज होता है और रियर यहाँ पे मोनोशॉक यूज होता है। और जो मेन जो बात है लाइटिंग सिस्टम को लेकर बात करें तो लाइटिंग सिस्टम वो बहुत ज्यादा जबरदस्त देख सकते हो, पावरफुल LED हेडलाइट प्रोजेक्ट और लैम्प देख सकते हो, और साइड इंडिकेटर का LED देख सकते हो, पीछे का टेल लाइट भी LED, मतलब सारे कुछ यहाँ पे LED, 390 का मीटर जैसे सेम टू सेम आप लोग ऐसे वाला मीटर देख सकते हो, मतलब एकदम फुल डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, तो मीटर मेरे को यार बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप लोगों का ऐसा लगा ऑब्वियसली एक बार बता देना। और जो मेन जो बात है टायर साइज को लेकर बात करें, टायर साइज यहाँ पे गाइस कुछ चेंजेस देख सकते हो, जैसे भाई सामने 1/0/70/17 देख सकते हो, और रियर टायर मतलब पीछे का जो टायर होगा 160/55/17 देखने को मिलेगा, मतलब टायर साइज यार सही है। और जो गाइस मेन जो बात है प्राइस कितना हो सकता है, क्योंकि इसका इतना हाई सीसी का बाइक अगर कंपनी ने प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे गाइस थोड़ा बहुत प्राइस भी हाई होना पड़ेगा, तो प्राइस को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइस एक्सटर्नल प्राइस के बारे में बताएंगे तो 4.5 लाख एक्सटर्नल प्राइस है, अंडर 5 लाख के अंदर ये बाइक तुम लोगों को इंडिया के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोग बताओ 5 लाख देके ये बाइक लेना भाई सही है क्या गलत है, मेरे को तो लग रहा है भाई सही है क्योंकि इसके अंदर तुम लोगों को देखने को मिलेगा V2 इंजन, और V2 इंजन के अंदर कितना था पावरफुल इंजन है वो तो भाई आप लोग जानते हैं क्योंकि V2 इंजन भाई रेस के अंदर यूज करा जाता है, और रेस के अंदर जो बाइक यूज करा जाता है वो बाइक भी बहुत ज्यादा पावरफुल बाइक होता है, ठीक है। और मेन जो बात है लॉन्च डेट, सो गाइस फाइनली KTM Duke 490 का ऑफिशियली गाइस कुछ लॉन्च डेट अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ 2 से 3 आप लोगों को यहाँ पे वीडियो लॉन्च हुआ, उसके बाद यार कुछ भी लॉन्च नहीं हुआ।
2024 के अंदर भाई आ सकता है इंडिया के अंदर। तो आप लोग बताओ गाइस 2023 के अंदर आएगा क्या नहीं आएगा। तो गाइस फाइनली मैं बताऊंगा गाइस यहाँ पे बाइक को डेट को लॉन्च डेट को लेकर बात करें तो यहाँ पे कमिंग सून है, अभी तक कुछ लॉन्च डेट यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ। तो जब तक गाइस यहाँ पे लॉन्च डेट नहीं हुआ तो भाई बता नहीं पाएंगे, जब लॉन्च डेट गाइस कंफर्म हो जाएगा मैं तुम लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के अंदर लाइक करो, चैनल के अंदर ना हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो गाइस चलो आज का वीडियो इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।